दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को लोग योग करने के लिए जमा हुए। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने भी इस मौके पर शिरकत की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सैकड़ों जवानों ने अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर योग किया। जो योग दिवस है 21 जून को बीएसएफ के जितने भी हेडक्वार्टर हैं पूरी हमारे देश के अंदर उसको भव्य तरीके से मनाया गया है। पूरे जितने हमारे कार्मिक हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है और हमारा मैसेज जो है वो एक ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपने आप को फिट रखें और उससे जो है आपके आसपास के लोग फिट रहेंगे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग की अहमियत बढ़ी है। योगा तो हमें डेली करना ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ये योगा दिवस पे मेरे को लगता है कि हम तो करवा ही रहे हैं योगा, लेकिन हमें डेली रूटीन में करना चाहिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है और हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया है 21 जून को ही। जैसा कि आपने देखा यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है हर साल और अच्छा लगता है जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी तादाद में बीएसएफ के जवानों ने योग किया। आप जानते हैं आज इंटरनेशनल योग दिवस है, इस सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूं और आज हमारे जो लोकल एसडीएम है आरएसपुरा के वो भी हमारे साथ मैडम आई है अपने स्टाफ के साथ, उन्होंने भी हमारे साथ और प्रहरियों के साथ में मिलकर योग की आज प्रैक्टिस की है और इसको जवानों के जीवन में बहुत इसका महत्व है क्योंकि 2400 घंटे हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर हुसैनीवाला में 151वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने योग किया। हुसैनीवाला के इस प्रांगण में हमारे मनाने का एक उद्देश्य यह था कि हम ये जो मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक भेज सकें कि योगा से स्वास्थ्य ही नहीं मेंटली और फिजिकल तौर पे स्वस्थ रहा जा सकता है। आईटीबीपी के जवानों ने भारत चीन सीमा के पास उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग सब सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर योग किया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम खुद के और समाज के लिए योग है।